हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे। ये हमारे पास एक हॉइस्ट का रोटरी लिमिट स्विच है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि लिमिट स्विच कैसे काम करता है, क्या है। सबसे पहले इसको हम लोग खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम लिमिट स्विच को अभी मैं कनेक्शन किया हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे कुछ इसका कोई बड़ा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर नहीं है, बट देख लीजिए आप। तब भी कोई भी लिमिट स्विच में हमको मिनिमम कम से कम 3 केबल जैसे भी आते ही आते हैं। अगर आप देखें तो एक ये ब्लैक है और ये येलोइश ग्रीन है और एक रेड है। तो सबसे पहले हम देखें तो ये जो रेड केबल है, देखिए आप अच्छे से, ये जो रेड केबल है ये हमारा एक कॉमन हो गया जो फीडर से हमको आ रहा है। ठीक है, जो हमारा फीडर जब भी ऑन होगा तो इसमें हम लोग सप्लाई आएगा। तो अब रोटरी लिमिट स्विच काम कैसे करता है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक टिप्स है इसका, जो टिप्स इसको हमारा डिस्कनेक्ट करता है अगर हमारा जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। देखिए ये टिप्स है, ये जैसे कि आप समझ लीजिए इसमें हमारा सप्लाई आ गया है। ये फेज़ आकर हमको इसको कंटिन्यूटी मिल रही है। हम जितना लिमिट सेट करेंगे उसके हिसाब से ये ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सेटिंग कैसे करते हैं वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें LNK प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर का LNK है। देखिए ये LNK के द्वारा हम इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद समझ लीजिए हमारी पोजीशन, हम रोटरी स्विच को इस पोजीशन में हम लोग लॉक कर दिए हैं और ये हमारा अप का हो गया। ठीक है, तो अप में हम लोग लिमिट कैसे सेट करेंगे, इसको हम डिस्टेंस आप देख सकते होंगे कुछ इस इतने गैप में ही हम इसको लिमिट सेटिंग करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका गैप आप देख सकते होंगे। अगर हम ज़्यादा गैप करेंगे तो दिक्कत हो जाता है। थोड़ी सी गैप करनी है जितना में हमारा काम बन जाए। आप देख सकते होंगे ये कितनी गैप रखी गई है। एक मिनट, मैं इसे सेटिंग करके आपको गैप दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इतना इसमें गैप है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एक लाइन टेस्टर रखें तो वो आराम से इसमें पार हो जाएगी। ठीक है, इतना गैप में हमारा आइसोलेट हो जाएगा। ये हमारा समझ लीजिए ये हो गया, एक्चुअल में ये हमारा डाउन का, ये हमारा अप का। तो हम इस पोजीशन में डाउन करना चाहते हैं, इस पोजीशन में ये डाउन क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसको देखिए ये अब क्लोज हो गया है। ठीक है, अब इस पोजीशन में हम इधर अगर इसे घुमाते हैं, देखिए ये ऑटोमेटिक लिमिट कटा। देखिए आप देख सकते होंगे, फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा रोटर नीचे हो और ये कट गया। ये लिमिट स्विच का प्रोसीजर। इसी तरह से ये डाउन भी इसी तरह से लिमिट सेटिंग होगा, जिसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगा कि कैसे ये लिमिट स्विच ऑनलाइन में इसे सेटिंग किया जाता है। और इससे बने रहने के लिए थैंक यू। थैंक्स दोस्तों।